हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब लेट में। आज की हमारी वीडियो होने वाली है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से नोटिफिकेशन निकाली गई है। इसमें रिक्रूटमेंट रहेगी, इसमें अलग अलग स्कूल्स जो इसके अंडर आएंगे उसमें वैकेंसीज दी गई हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसमें अलग अलग स्कूल्स की बात करें, इसमें टोटल जो स्कूल रहेंगे 9 इसमें स्कूल रहेंगे। इसमें अलग अलग वैकेंसीज रहेंगी डिसिप्लिन हिसाब से। पूरे डिटेल बात करेंगे इसमें क्या क्वालिफिकेशन वो रहेंगी और कैसे आपने इसमें अप्लाई करना होगा और उस पर पे लेवल कितना रहेगा, पूरी डिटेल में बात करेंगे। मलिए लास्ट तक वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट जरूर करें। अगर हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जब भी कोई जॉब रिलेटेड बड़ी अपडेट आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले हम बात करें नंबर 1 में स्कूल या कल्चर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन में। इसमें जो डिसिप्लिन जॉब रहेंगी इसमें बात करें तो परफॉर्मिंग आर्ट्स परफॉर्मेंस स्टडीज़ में जॉब रहेगी। इसमें एक वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी के लिए रहेगी। लेक्चर आर्ट एंड क्रिएटिव राइटिंग यहाँ पर एक वैकेंसी रहेंगी एसोसिएट प्रोफेसर की, इसमें एक वैकेंसी होंगी। फिल्म स्टडीज़ में ओबीसी कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी होंगी असिस्टेंट प्रोफेसर में। इसमें मेन मेन बात करें यहाँ पर इस वैकेंसी शेड्यूल आप देख सकते हो। मैं मेन मेन बात करूँगा इसमें स्कूल्स और इसमें क्या जॉब रहेगी अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर इसमें दिया गया है। स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर की यहाँ पर ग्लोबल स्टडीज़ और अर्बन स्टडीज़ में जॉब रहेगी। स्कूल ऑफ लॉ गवर्नमेंट्स एंड सिटीजनशिप की यहाँ पर लॉ ऑफ एनी सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी डिसिप्लिन में इसमें जॉब रहेगी। स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज़ में एजुकेशन की जॉब रहेगी। स्कूल ऑफ अंडर ग्रेजुएशन स्टडी में इकोनॉमिक हिस्ट्री साइकोलॉजी सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ इंग्लिश मैथमेटिक्स सोशोलॉजी की सब्जेक्ट रहेंगे। इसमें जो जॉब रहेगी इसमें प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की। आगे इसमें स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में इसमें भी टूरिज्म हॉस्पिटलाइजेशन रिटायल मैनेजमेंट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस एजुकेशन में इसमें जॉब रहेगी। स्कूल ऑफ बिजनेस पब्लिक पॉलिसी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ मैनेजमेंट में इसमें जॉब रहेगी। स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी में इसमें इकोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज़ का यहाँ पर इसमें जॉब रहेगी। स्कूल ऑफ डिज़ाइन में डिज़ाइन में जॉब रहेगी। इसमें सारा प्रोसीजर इसमें दिया गया है मेन मेन में। आगे हम बात करें नेम ऑफ पोस्ट की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पर पे लेवल यहाँ पर 52,700 से लेके 182,400 के बीच में पे स्केल रहेगा। एसोसिएट प्रोफेसर की जो सैलरी रहेगी 1,31,400 से लेके 217,100 के बीच में रहेगा। प्रोफेसर का जो होगा लेवल 14 का यहाँ पर 1,44,200 से लेके 218,200 के बीच में रहेगा। क्रिएटिव आर्ट एंड क्रिएटिव राइटिंग के लिए यहाँ पर डॉक्टरल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड परफॉर्मिंग एबिलिटी, 8 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग यूनिवर्सिटी कॉलेज का यहाँ पर रहेगा। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें इसमें भी नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट ही आपके पास होनी चाहिए। फिल्म स्टडीज़ की बात करें मास्टर डिग्री इन 55% आपके पास होनी चाहिए। पॉइंट्स के लिए यहाँ पर सारा प्रोसेस में दिया गया है की बात करें आपके पास पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ग्लोबल स्टडीज़ का मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आगे इसमें और बात करें यहाँ पर प्रोफेसर के लिए वैसे अर्बन स्टडीज़ में जॉब रहेगी मैं, इसमें पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अर्बन स्टडीज़ में आपके पास जो इसमें बात करें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपके पास भी पीएचडी डिग्री इन 55% आपके मार्क्स होनी चाहिए मास्टर डिग्री में। अर्बन स्टडीज़ में आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब होगी इसमें भी 55% मार्क्स होने चाहिए। इसमें सारा प्रोसीजर इसमें अलग अलग हिसाब से आपसे क्वालिफिकेशन दी गई हैं, प्रोफेसर की अलग रहेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग और एसोसिएट प्रोफेसर की इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन रहेंगी। जो इसमें प्रोफेसर 1 ओबीसी यहाँ पर बात करें लो एंड एनी सोशल साइंस ह्यूमैनिटी डिसिप्लिन में बात करें पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और भी यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोसीजर्स इसमें दिए गए हैं। नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट वगैरह होगा तो उसमें आप क्लियर कर सकते हैं। सारा प्रोसीजर इसमें 1 बाय 1 दिया गया है, जिस हिसाब से आपका सब्जेक्ट रहेगा उसी हिसाब से इसमें क्वालिफिकेशन भी दी गई है। सारा आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हो जिसमें भी आप अप्लाई करोगे। नेक्स्ट हम मेन बात करेंगे इसकी लोकेशन की बात करें डिप्टी रजिस्ट्रेशन एकेडमिक सर्विस रूम नंबर 3 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली लुटियाना रोड एंड कश्मीर गेट कैंपस दिल्ली। यहाँ पर इसका पिन कोड भी यहाँ पर दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें ये फॉर्म लगना शुरू होंगे 23/4/2022 से लेके 22/5/2022 के बीच में लगेंगे। एट लीस्ट रिसीविंग इन हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन 3/6/2022 का यहाँ पर रहेगा। आप इसमें जरूर अप्लाई करें। नॉन रिफंडेबल आपकी फ़ी रहेगी। इसमें एप्लीकेशन फ़ी जो होगी 1,000 रुपये यहाँ पर रखी गई है यू आर ओ बी सी यानी ईडब्ल्यू एस वालों के लिए। और जो नॉ
नो एप्लीकेशन फ़ी जो चार्जेस रखेंगे हैं कोई भी यहाँ पर चार्जेस नहीं देना होगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन कैटेगरी के यहाँ पर प्रोसीजर्स में दिए गए हैं और भी काफ़ी सारी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई हैं। मेन मैंने मैंने बात करी हुई है, आप नोटिफिकेशन रीड करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जरूर रीड करें। यही थी हमारी आज की अपडेट। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जब भी कोई जॉब रिलेटेड बड़ी अपडेट आए आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।